ओम शांति। हम सभी कितने भाग्यवान हैं कि हमें रोज परमात्म दुआएं मिलती हैं। रोज सवेरे जब हम उससे अपना नाता जोड़ते हैं, जब उसकी एनर्जी हमें मिलने लगती है, जब उसकी सेवाओं में हम दिन रात अपने को समर्पित कर देते हैं, तो हम उसकी दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सोचो, जिन्हें भगवान की दुआएं मिल रही हों, वो स्वयं कितने महान बन जाएंगे। लेकिन हमें भगवान से दुआएं मांगनी नहीं है, अधिकार से प्राप्त करनी है। हम स्वयं को इतना योग्य बना दें, स्वयं को इतना महान बना दें, इतना आज्ञाकारी बना दें कि प्रभु दुआएं हमें स्वतः ही मिलती रहें। और जिनके साथ दुआएं होती हैं, उनकी जीवन की यात्रा सरल हो जाती है, उन्हें कदम कदम पर सफलता मिलती है, विघ्न, बीमारियां, अनेक बाधाएं उनको रोक नहीं पाती हैं, क्योंकि भगवान की दुआएं उनके साथ चलती रहती हैं। तो सोच लें, हम ऐसा क्या करें जो प्रभु प्रेम के पात्र भी बन जाएं और उसकी दुआओं के अधिकारी भी बन जाएं। इसी तरह हमें अनेक महान आत्माओं की दुआएं भी मिलती हैं। कलयुग में मनुष्य, गुरु, थोड़े सी महान आत्माएं किसी को दुआएं देती हैं। उनके पास भी बहुत ज्यादा अलौकिक बल नहीं होता और दुआएं लेने वाले भी पवित्र नहीं होते। हम स्वयं भी पवित्र हैं और दुआएं देने वाली अनेक महान आत्माओं ने अपने जीवन का पवित्रता से श्रृंगार किया है। तो महान आत्माओं की भी हम दुआएं लें। यदि हम उनसे बहस करेंगे, यदि हम उनका अपमान करेंगे, यदि हम उनके लिए कटु वचन बोलेंगे, तो सोच लें भला उनकी दुआएं हमें कैसे मिलेंगी। बड़ों की दुआएं तो बहुत बड़ी होती हैं, बड़ों की दुआएं तो बड़ा काम करती हैं। हम देख सकते हैं जिन बच्चों के साथ माँ बाप की दुआएं हैं, उन्हें सहज सफलता मिलती है। और जो बच्चे माँ बाप का अपमान करते रहते हैं, उनसे लड़ते रहते हैं, उनका सफलता का द्वार भी बंद हो जाता है। इसलिए हम ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें, स्वयं को इतना ऊंचा उठाएं, दूसरों को सुख दें, ताकि हमें महान आत्माओं की दुआएं भी मिलती रहें। और साथ साथ हमें दुआएं प्राप्त करनी है उन सब से जो गरीब हैं, उन सब से जो असहाय हैं। जो असहाय हैं उनकी मदद करना हमारा परम कर्तव्य है। जिनको कोई नहीं पूछता उन्हें पूछना, जिनकी ओर कोई नहीं देखता उनको मदद करना, ये हम सभी महान आत्माओं का पुनीत कर्तव्य है। तो आइए हम अपने जीवन को दुआओं से भरें, ताकि हमारी जड़ मूर्तियाँ जन्म जन्म सबको दुआएं देती रहें। हम अपने चेहरों को इतना दिव्य, इतना शांति और खुशी से भरपूर करें, ताकि भक्ति में हमारे चेहरे देखकर दूसरों के दुख दूर होते चलें, उनके तनाव समाप्त होते चलें। दुआओं के स्वयं को पात्र बनाएं और न केवल दुआएं लें, बल्कि हमें यहीं से दुआएं देने का सिलसिला भी प्रारंभ करना है। कोई हमें एक बद्दुआ दे, हम उसे 10 दुआएं दे दें। कोई हमारी एक बुराई करे, हम उसकी 10 महिमा कर दें। दुआएं देने की परंपरा हम यहीं से शुरू करेंगे, तो हमारी जड़ मूर्तियों से भी सबको दुआएं मिलती रहेंगी। तो आज सारा दिन हम स्वमान में रहेंगे, मैं वही हूँ जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, जिनके द्वारा भक्तों को दुआएं मिल रही हैं, जिनके द्वारा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज करेंगे और साथ साथ अभ्यास करेंगे कि ऊपर से सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ में समा रही हैं।
फिर पवित्रता के सागर की पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं और मुझे अथाह सुख मिल रहा है। मैं अतीन्द्रिय सुखों की गहन अनुभूतियों में जा रही हूँ। इस तरह की गुड फीलिंग करते हुए आज के दिन को पूर्णतया सफल करेंगे। ओम शांति।